मन की शक्ति लंबे समय से आकर्षण का विषय रही है। ये एक ऐसा क्षेत्र है जहां थॉट्स कॉम्प्लेक्स पैटर्न्स बुनते हैं, जहां हमारी भावनाएं भी परिदृश्यों को चित्रित करती हैं, और जहां हमारा दिमाग मानसिक छवियों यानी मेंटल इमेजेस को बनाने की क्षमता रखता है, जो इमेजिनेशन और वास्तविकता के बीच की खाई को पाटती है। ये मेंटल इमेजेस यानी कि मानसिक छवियां हमारी चेतना के कैनवास पर एक चित्रकार के ब्रश स्ट्रोक के समान वो नींव है जिसके सहारे हम अपनी इच्छाओं को पा सकते हैं। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि इन विचारों में मैनिफेस्टेशन के दरवाजे खोलने की गुप्त कुंजी है? क्या होगा यदि मेंटल इमेजेस की अविश्वसनीय क्षमता का उपयोग आपकी इच्छाओं को मूर्त रूप में बदल सके? आज के इस वीडियो में हम इसी आकर्षक विषय पर बात करेंगे, जहां हम आर्ट ऑफ मैनिफेस्टेशन पर मेंटल इमेजेस के गहरे प्रभाव को जानेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि मुझे पूरा यकीन है कि ये जर्नी आपके विचारों के भीतर मौजूद असाधारण शक्ति और आपके विचारों को आकार देने के लिए उनके पास मौजूद असाधारण क्षमता को उजागर करेगी। किसी भी परिस्थिति को बदलने के बेस्ट तरीकों में से एक क्रिएटिव विजुलाइजेशन और मन की इच्छा के माध्यम से मेंटल इमेजेस यानी कि मानसिक छवियों का निर्माण है। इससे पहले हम इस पर आगे बढ़ें, मैं आपको इन भारी भरकम शब्दों का अर्थ बता देता हूं। मेंटल इमेजेस वो चित्र, दृश्य या घटना है जिसे आप अपने दिमाग में विजुलाइज करते हैं। आप हर समय अनजाने में ही सही अपने दिमाग में मेंटल इमेजेस बनाते रहते हैं। जिन छवियों को आप अक्सर देखते हैं वो आपके जीवन को प्रभावित करती हैं, भले ही आप इसके बारे में जानते हो या नहीं। मैं उन इमेजेस के बारे में बात नहीं कर रहा हूं जिन्हें आप एक या दो बार देखते हैं, बल्कि उनके बारे में बात कर रहा हूं जिन्हें आप अक्सर अपने दिमाग में दोहराते हैं। कुल मिलाकर बात यह है कि मेंटल इमेजेस चित्रों यानी कि पिक्चर्स में आपके विचार हैं, बिल्कुल डे ड्रीमिंग की तरह। हालांकि जब आप इसका सही तरीके से उपयोग करते हैं तो आप अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। मतलब आप हर उस चीज को अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं जिसकी आप कामना रखते हैं। सबकॉन्शियस माइंड आपके द्वारा अपने मन में बनाई गई छवियों को वास्तविकता के रूप में स्वीकार करता है, और यदि आप उनकी विजुलाइजेशन करते रहते हैं तो आप धीरे धीरे उस पर विश्वास करना शुरू कर देंगे। जैसे जैसे आप विजुलाइज करना जारी रखेंगे, दिन प्रतिदिन जल्द ही आप अपनी मेंटल इमेजेस के अनुसार काम करना और व्यवहार करना शुरू कर देंगे और उन्हें अपने जीवन में वास्तविकता बनाने की दिशा में काम करेंगे। यदि आप नेगेटिव सिचुएशन और समस्याओं की कल्पना करते हैं और ऐसा करना जारी रखते हैं तो आपकी मानसिक स्थिति धीरे धीरे नकारात्मक हो जाएगी। आप लोगों से अलग हो जाएंगे, अवसरों के प्रति अपनी आंख बंद कर लेंगे और धीरे धीरे आपका आत्मसम्मान भी कम होने लगेगा। यदि आप नकारात्मक हैं और समस्याओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो आप सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। बट दूसरी ओर लगातार सफलता की कल्पना करना और उम्मीद करना आपके जीवन में उसी चीज को आकर्षित करेगी यदि आप इसका कॉन्शियसली उपयोग करें। तो मेंटल इमेजेस की शक्ति आपके जीवन को बदल सकती है। आपको अपनी इच्छित मेंटल इमेजेस चुननी होंगी और जो आप नहीं चाहते हैं उन्हें अस्वीकार करना होगा। आप ये तय कर सकते हैं कि आपको अपने दिमाग में कौन से सीन्स और पिक्चर्स देखने हैं और किसे अनदेखा करना है। आप ये तय कर सकते हैं कि किस चीज को अपने सबकॉन्शियस माइंड में जाने देना है और किसे अस्वीकार करना है। मगर उसके लिए सबसे जरूरी अनुशासन है। इसके लिए आपको सबसे पहले अपने विचारों के प्रति जागरूक रहना होगा। जब आप खुद को नकारात्मक घटनाओं, समस्याओं या कठिनाइयों की कल्पना करते हुए पाएं, या जब आप खुद को बताते हैं कि आप असहाय और कमजोर हैं, तो तुरंत ही वहीं पर रुक जाएं और उस मानसिक फिल्म और उन शब्दों को बदलें जिन्हें आप अपने दिमाग में दोहरा रहे हैं। ये आपके डीवीडी प्लेयर से एक डीवीडी निकालने और एक बेहतर और अधिक दिलचस्प डीवीडी डालने जैसा है। आप अपना एक्सपीरियंस हमें कॉमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। जब आपके सामने कोई नेगेटिव थॉट आया हो और उस पर आपने किस तरह काबू पाया, कोई भी एक सिंपल प्रोसेस फॉलो करके जागरूकता के साथ इस प्रक्रिया में महारत हासिल कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको अपने आप को वैसा देखना होगा जैसा आप बनना चाहते हैं, और काम हर एक परिस्थिति को वैसे देखें जैसे आप चाहते हैं। उन पर विचार करने और उन पर काम करने से वैसी ही भौतिकता आएगी।
आप दूसरों की परवाह किए बिना, बाहरी परिस्थितियों की परवाह किए बिना, थॉट्स एंड इंटेंशंस की आंतरिक प्रक्रियाओं के माध्यम से अपनी मानसिक छवियां बना सकते हैं, और इसी अभ्यास से है कि आप नियंत्रण ले सकते हैं आपकी अपनी इच्छाओं और परिस्थितियों का। यदि आप मानसिक रूप से खुद को उन्हीं परिस्थितियों से घिरा हुआ देखना जारी रखते हैं जैसा कि आप चाहते हैं, तो मन की रचनात्मक ऊर्जा आपके इच्छित विचारों की प्रवृत्ति से खुद को कंडीशनड कर देगा। उदाहरण के लिए, यदि कोई परफेक्ट लाइफ पार्टनर चाहता है तो उसे ये समझने की कोशिश करनी चाहिए कि लाइफ पार्टनर से प्यार करने का एकमात्र तरीका प्यार देना है, और प्यार देने का एकमात्र तरीका प्यार बन जाना है, या खुद को तब तक उसी प्रेम से भरना है जब तक कि वो इच्छा पूरी ना हो जाए। यदि कोई स्वयं को प्रेम से नहीं भरता है तो प्रेम देना असंभव है। ठीक उसी प्रकार, यदि किसी के पास धन नहीं है तो धन देना असंभव है। इस टेक्निक का रहस्य मन के सिद्धांत में निहित है, जो बताता है कि ज्यादातर चीजें हमारे दिमाग द्वारा बनाई गई हैं, जहां विजुलाइज की गई मेंटल इमेजेस मैट्रिक्स या सांचा बन जाती हैं, जिसमें हमारी इच्छाएं होती हैं और जिससे ये आकार लेता है। इसीलिए जो सीक्रेट है वो एक मेंटल मैट्रिक्स का निर्माण शुरू करता है, पूरी तस्वीर की ओर पहला कदम, जिसके बाद जब चीजें धीरे धीरे आगे बढ़ने लगें तो आप उसमें अपने हिसाब से डिटेल्स ऐड कर सकते हैं और अपनी मेंटल इमेजेस का निर्माण कर सकते हैं। जब भी आप इस टेक्निक का उपयोग करें, तभी ये ध्यान रखिए कि अपनी मेंटल इमेजेस को विस्तार से तब तक देखें जब तक कि वो आपकी आंखों में स्पष्ट रूप से ना आ जाए। जितना ज्यादा आप इस एक्सरसाइज को दोहराएंगे, उतना ही ज्यादा तेजी से चीजें आपके सामने आएंगी, ऐसे लोग सामने आएंगे जो उसकी मैनिफेस्टेशन के लिए आवश्यक होंगे, अपॉर्चुनिटीज डिफरेंट सोर्सेस से आएंगी, और वो भी अनएक्सपेक्टेड समय और जगहों पर। सभी प्रकार के अवसर स्वयं आपके लिए खुल जाएंगे। बेशक किसी को इन अपॉर्चुनिटीज पर एक्शन करने के लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि भले ही यूनिवर्स ने ये सब कुछ शुरू किया है, लेकिन काम तो आपको ही करना होगा। दरवाजे खुलेंगे, लेकिन अंदर आपको ही आना होगा। इस प्रक्रिया में आपको शार्प, स्पष्ट और निश्चित होना पड़ेगा। आज एक मेंटल इमेज, कल दूसरा और अगले सप्ताह तीसरा, क्योंकि यदि एक मूर्तिकार ने संगमरमर के टुकड़े और छेनी से शुरुआत की और हर 15 मिनट में अपना डिसीजन बदल दिया, तो वो किस परिणाम की उम्मीद कर सकता है? सो फाइनली हमें ये महसूस करना होगा कि हम एनर्जी का निर्माण नहीं कर सकते, बल्कि इसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हैं, ऐसी स्थितियां प्रदान करके जिनके द्वारा पहले से मौजूद ऊर्जा अपनी मैनिफेस्टेशन के तरीके को बदल सकती है। डिजायर्ड आउटकम की कल्पना करके हम इसके मैनिफेस्ट होने की आवश्यक चीजें स्थापित करते हैं। डिजायर्ड आउटकम्स को केवल उस चीज के बढ़ते हुए हिस्से के बारे में जागरूक होकर ही मैनिफेस्ट किया जा सकता है जो पहले से ही एक क्षमता के रूप में मौजूद है। संक्षेप में कहो तो आप कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि वो पहले से ही यूनिवर्स में है। नीचे कमेंट में बताइए कि वीडियो कैसा लगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो फटाफट ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा, जिससे आपको ऐसे ही वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहें सबसे पहले।